ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है हम महिलाओं के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है, ये जो गिफ्ट दिया है हम लोगों को, पूरे हमारे न्यू पार्लियामेंट बना है, उस न्यू पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में उन्होंने ये जो तोहफा दिया है फीमेल्स को, ये बहुत ही अच्छा तोहफा है। आई एम डॉक्टर सिद्धि, आई एम फ्रॉम जम्मू। ये जो वुमेन आरक्षण बिल पास हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का एक प्रोत्साहन मिल रहा है पार्लियामेंट में, ये सब जगह पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस थिंग। बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कि महिला को एक स्टेज प्लेटफॉर्म दिया जाए, जहाँ पर महिला जो हैं अपने आप को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। कल संसद में एक बड़ा विधेयक पास हुआ है। लगभग 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, जिससे महिलाओं में काफ़ी खुशी है। मोदी जी ने बड़ी सौगात दी है महिलाओं को, तो इसको लेकर जम्मू की महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। हम लोग जगह जगह जा करके महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं। तो इन लोगों से हम लोगों ने बात की है, इन लोगों ने क्या कुछ कहा है इस महिला विधेयक को लेकर के, आइए सुनिए। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है हम महिलाओं के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है, ये जो गिफ्ट दिया है हम लोगों को, पूरे हमारे न्यू पार्लियामेंट बना है, उस न्यू पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में उन्होंने ये जो तोहफा दिया है फीमेल्स को, ये बहुत ही अच्छा तोहफा है महिलाओं के लिए। एज ए डॉक्टर, क्या लग रहा है कि जो इतना बड़ा आरक्षण मिला है 33% का, महिलाओं में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव आएंगे भैया। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमेशा हम लोग मेल फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं, 1:1 रेशियो की बात करते हैं, जो हम लोग बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, इस पे बल मिलेगा। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है बेसिकली। क्या कहेंगे? हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद हैं, बहुत धन्यवाद कहेंगे उनको कि उन्होंने फीमेल्स के लिए, उन्होंने फीमेल्स की रेस्पेक्ट, उनकी प्रायोरिटी हमारे इस फर्स्ट सेशन में दिखा के उन्होंने मन जीत लिया है हम लोगों का। आई एम डॉक्टर सिद्धि, आई एम फ्रॉम जम्मू। ये जो वुमेन आरक्षण बिल पास हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का एक प्रोत्साहन मिल रहा है पार्लियामेंट में, ये सब जगह पे, जहाँ वुमेन जो अपना विशेष है वो सब वहाँ पे रख पाएगी, वो सब अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएगी। हम मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो इतने सालों से जो नहीं हुआ था अब हुआ है फाइनली। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ताकि हम लोग अपना डिसीजन, हम लोग अपना ओपिनियन वो वहाँ पे बोल पाए। थैंक यू। ये जो बिल आया है, जैसे महिलाओं को क्या क्या लाभ होने वाला है इसमें? लाइक बहुत जगह है जहाँ पे वुमेन लोग के लिए उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइक जो हम लोग का जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये एक वुमेन बहुत अच्छा से बोल पाएगी जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे एक वुमेन का ओपिनियन रिक्वायर्ड था, ये अब बहुत ज़्यादा बेटर से एक्सप्रेस हो पाएगा पार्लियामेंट में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा राइट्स नहीं बोला जाता है। जो कि हम थैंक यू ऑफ कोर्स बोलना चाहेंगे, आगे चल के और हमारे परसेंटेज इंक्रीज हो, हम लोग का जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो। थैंक यू मोदी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस थिंग। बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कि महिला को एक स्टेज प्लेटफॉर्म दिया जाए, जहाँ पर महिला जो हैं अपने आप को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है बहुत देर बाद आई है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर एवरीवन। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। आई थिंक बहुत अच्छी बात जी की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छे तरीके से एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर आई वुड सी इट। एक्चुअली महिलाओं को जो हमारे कंट्री में अभी जो चल रहा था, इसके बीच में आप वुमेन को एक एम्पावरमेंट दे रहे हैं, एक वुमेन को स्टेज दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में वुमेन का हमारे यहाँ जो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हुआ करता था, वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है, एंड दे आर गोना स्टैंड स्ट्रेट इन द प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छी बात है, दे वुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू टू द नरेंद्र मोदी जी एंड एवरीवन हु हैज़ एम्पावर्ड दिस, हु हैज़ यू नो इन्वॉल्व देमसेल्फ इन टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, मोदी जी ने बड़ी सौगात दी है महिलाओं को, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात की है मोदी जी,
हम लोग बहुत दिनों से इसलिए प्रयासरत थे कि हम लोग को 33% 50% हम लोग को मिले आरक्षण, लेकिन 33% मिला है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी भी बहुत महिलाएं जो हैं सो मतलब अति के से बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन जब आरक्षण मिल जाएगा तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मोदी जी को इस पहल के क्या बोलिएगा? उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि यो उन्होंने जो योजना लाई, भारत सरकार जो योजना लाई है वो बहुत अच्छी योजना है। हम इसका बहुत बहुत आभार दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अगर महिला को आरक्षण मिल रहा है इससे महिला का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा, वो खुद डिपेंड होगी और महिलाओं की परेशानियां को समझेगी और उसे बेहतर बनाने का कोशिश करेगी। मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा कदम उठाए और बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं इन्होंने महिलाओं के लिए। महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है लोकसभा में और महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है, मोदी जी क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है। ऐसे मोदी जी ने आगे भी बहुत काम किया है कि बेटी को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर उनके स्ट्रेस किया जा रहा है और इस कदम से इंशाल्लाह आगे जाकर के लड़कियां और आगे बढ़ेंगी और डिफरेंट फील्ड्स में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं इंशाल्लाह। क्या फ़ायदा मिलेगा आरक्षण से? बेसिकली इक्वालिटी के बेसिस पे जो लोग बिलीव करते हैं वो एक अलग बात है, बट आरक्षण से सीट्स में कंपटीशन में थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मिलता है, उसका तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा महसूस कर रही हूँ, काफ़ी प्रसन्नता है, ये काफ़ी दिनों से लंबित था लेकिन अभी इसके पूरे होने में तो जैसा पेपर से समझ में आ रहा है कि परिसीमन होना है, जनगणना होनी है, तो अभी लंबा सफ़र इसको तय करना है। और इसमें कुछ लोगों की जो महिलाओं के आरक्षण में भी आरक्षण की मांग है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है, सभी महिलाओं के लिए एक तरह की सोच होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करूंगी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण में आरक्षण। मोदी जी के इस पहल को आप कैसे देखती हैं? मोदी जी के पहल को मैं इस तरह से देखती हूँ कि हमारे देश में आधी आबादी जो है और मोदी जी को ऐसा विश्वास हो गया है कि महिलाएं किसी भी काम को अच्छे से अंजाम दे रही हैं, चाहे वो हमारा इसरो का चंद्रयान का काम हो उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र में मंत्रिमंडल का कामकाज देखना हो उसमें महिलाएं अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी विधेयक लाना चाहते हैं या लाए हैं तो उसका मैं समर्थन करती हूँ। महिला विधेयक पास हुआ है संसद में, महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है, ये बहुप्रतीक्षित हमारा ये था बिल था और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चाहे शुरुआत कहीं हो लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे कार्यान्वित किया मोदी जी ने, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि हम महिलाओं को एक मुकाम मिला। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या फ़ायदा होगा महिलाओं को? महिलाएं हर क्षेत्र में, हम सृष्टि के निर्माण से लेकर के हर क्षेत्र हमारी योगदान आधी है तो हमें हक भी मिलना चाहिए आधा। हर क्षेत्र में चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, घर हो, कहीं भी हो, हम हर जगह अपना काम को पूरे निष्ठा से निभाते हैं और ये जगह जगह साबित भी कर चुके हैं। ये दुख था हमें कि राजनीति में हमारा योगदान नगण्य था, बल्कि सच बात तो जैसा कि मैं पढ़ी कि गुजरात जो पीएम का क्षेत्र है वहाँ पर 8% ही मात्र राजनीति महिलाएँ थी। चलिए शुरुआत हुई, अंजाम आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि एक वक्त आएगा कि जहां हमारी भागीदारी 50% होगी जो कि महिला सशक्तिकरण का एक सफल उदाहरण होगा। आपने महिलाओं ने इस जो मोदी जी ने ये कदम उठाया है संसद में, जो ये जो बिल पारित हुआ है इसको लेकर काफ़ी खुश हैं और मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं, बधाई दे रही हैं और कह रही हैं महिलाएं कि महिलाओं को अब आगे बढ़ने का और जो महिला सशक्तिकरण के तरफ मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है और उनको उनका स्वागत कह रही हैं और जो महिलाएं कह रही हैं ये जो कदम उठा है इसको लेकर अब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और उनका सीधा सीधा कहना था कि महिलाओं की आबादी लगभग 50% है तो 50% आरक्षण भी मिलना चाहिए, ऐसा भी कुछ कुछ महिलाएं कह रही थी। अब देखिए हालांकि क्या होता है, लेकिन एक बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है और महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।